भारतीय परंपरा में सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर चेला गुरु से आगे निकले तो गुरु को बेहद खुशी होती है, और पुत्र अगर पिता के मापदंडों से या छूले आगे निकल जाए तो बेहद खुशी का दिन होता है। वो ये गौरव जी के लिए नहीं बल्कि हमारे राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि पिता पुत्र दोनों जो है उच्च पद पर, दोनों ने एक ही समय सेवा की है जनता की और सरकार की। तो मैं समझता हूँ ये इनके परिवार से भी ज्यादा हम सब और राजस्थान भर के लिए गौरव की बात है। भैया इस गौरव के लिए तो नहीं, ये कंजूसी वाली है। योजना स्वागत है इनके पिता श्री आरती श्रीवास्तव जी का, और उनके गौरव को आज हमने चुरा लिया है, आज महफिल का गौरव बना लिया है। आइए गौरव जी। सामान्य मंच और देवियों और सज्जनों, मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण प्राप्त हुआ और उसी समय से मैंने मेरे मन में इस बात का प्रश्न भी आया कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए क्यों निमंत्रण प्राप्त हुआ, क्योंकि मूल रूप से मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूं और पुलिस की सेवा में हूं, और मुझे नहीं लगता इन दोनों ही चीज़ों का कविता या कवियों से किसी प्रकार का कोई रिश्ता है। मेरा कविता और कवियों के बारे में ज्ञान भी लगभग शून्य ही है, पर मैं बस इतना जानता हूं कि कवि जो है वो बहुत ही रचनात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, और कम शब्दों में बड़ी बात कहने की कला कवियों में होती है। और शायद इसी उत्सुकतावश इस आशा के साथ कि इस कार्यक्रम में मैं जाता हूँ तो इस कला के कुछ कण शायद मैं भी अपने अंदर भर पाऊँगा, इसी आशा के साथ मैं यहाँ आज उपस्थित हुआ हूँ। मैं क्षमा चाहूँगा, जैसा मैंने बताया कि मेरे पास कोई रचना या कविता आपके पास सुनाने के लिए नहीं है। यदि यह सभा मुझे अनुमति दे तो पुलिस के ऊपर चार पंक्तियां जो मैंने एक समाचार पत्र में किसी है, मैं उस कवि का नाम नहीं जानता जिसमें लिखी थी, जितनी मुझे याद है मैं सुना देता हूँ। शायद वो कुछ इसका टोन चेंज कर दे और थोड़ी देर के लिए हम गंभीर विषय से कुछ व्यंग की तरफ चलते हैं। व्यंग पुलिस के ऊपर ही है और इसलिए पुलिस वाला कह रहा है तो कोई कंटेम्प्ट भी नहीं होगा। जी स्वागत है। अनुमति चाहता हूँ सर। और वैसे तो ये किसी अन्य राज्य में लिखी गई थी, पर अब हम राजस्थान में हैं तो मुझे नहीं लगता किसी और प्रदेश पर हमें व्यंग करना चाहिए, तो राजस्थान से ही चलते हैं। तो राजस्थान पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया, राजस्थान पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया, और पिलानी का राधेश्याम भी इंटरव्यू देने गया। पिलानी का राधेश्याम भी इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने मचा दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब लेने जाएंगे, आप सेब लेने जाएंगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देके आएंगे? आप सेब लेने जाएंगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देके आएंगे? राधे बोला, हुजूर अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो क्या पुलिस में भर्ती हो रहा हूं ऐसी की तैसी कराने के लिए? ये वैसे एक इत्तेफाक ही है कि जिस वर्ष मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के समय मैं जब ड्यूटी ज्वाइन करने जा ही सा रहा था, लगभग उसी के आसपास ये अखबार में प्रकाशित हुआ। एक सुयोग है कि ये कुछ पंक्तियां मुझे उस कविता की याद हैं। इसके बाद राधेश्याम का इंटरव्यू की और भी कई सारी कड़ियां इसमें हैं, जिसमें जो अधिकारी इसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो राधे से अलग अलग प्रकार से उसे घेरने की कोशिश करते हैं, पर राधेश्याम क्योंकि पिलानी का होशियार राजस्थानी है तो वो काबू में नहीं आता आसानी से।
और पूरा इंटरव्यू हो जाता है, तो अंत की पंक्तियां सिर्फ ये कहती हैं कि राधे श्याम आजकल बड़ी चौपड़ पर ड्यूटी बजाते हैं। राधे श्याम सेलेक्ट हो गया, पुलिस का सिपाही बन गया है, तो राधे श्याम आजकल बड़ी चौपड़ पर ड्यूटी बजाते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं पर साहब के लिए 100 ग्राम ही भिजवाते हैं। तो मैं इतना ही कहकर के आपसे क्षमा चाहूंगा, मेरा और कविता का जो ज्ञान है वो बस इतना ही है, और मैं अब अपने ज्ञानवर्धन के लिए आपसे अपने स्थान पर बैठने की अनुमति चाहूंगा।